चुनावी माहौल में मुद्दों की कमी नहीं है। जैसा कि अनुमान लगाया था कि चौथे चरण का मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार होगा और अब लग रहा है पांचवें चरण तक ये मुद्दा तुल पकड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं स्नेहा पात्रो स्वागत करती हूँ आप सबका आज की चर्चा में, जो इस वक्त की सबसे चर्चित नाम पर है, वो है मंत्री आलमगीर आलम। उनकी गिरफ्तारी से सियासी भूचाल झारखंड में मच गया है। एक के बाद एक दो बड़े नामों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, अब दूसरा बड़ा नाम कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम। उनकी गिरफ्तारी से क्या असर पड़ने वाला है, चूंकि लोकसभा चुनाव का माहौल है, ये जानेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के कमीशन के खेल को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को दो दिन के सघन पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज मंत्री को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 6 दिनों के लिए उनकी रिमांड ईडी को दे दी है। असल में इस पूरे मामले की पटकथा उस दिन से शुरू हुई जिस दिन विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में गिरफ्तार हुए। वीरेंद्र राम से पूछताछ और जांच का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा, कड़ियां जुड़ती गई और मंत्री आलमगीर आलम समेत कई नाम सामने आए। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि आलमगीर आलम हर टेंडर में 1.5% कमीशन वसूलते थे और टेंडर में मिले रुपए पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के यहां जमा किया जाता था। इस पूरे घोटाले में वीरेंद्र राम टेंडर का कमीशन वसूलने का काम करता था और संजीव लाल टेंडर मैनेज करने की भूमिका में था। जांच में तार जोड़ते हुए ईडी ने छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड को मंजूरी दी है। सर, उनका पीएस और जहांगीर जो अरेस्ट हुआ था उसके पास से जो पैसा रिकवर हुआ था, उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद में इनको बुला करके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन सब बातों को देखने के बाद में ये बात समझ में आ रही थी कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में है। यही बात ग्राउंड्स में लिखा गया था और इसी बात को लेकर के उनको कल अरेस्ट किया गया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया, कोर्ट में बताया गया कि हम लोगों ने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा, कोर्ट ने हमें 6 दिन के लिए रिमांड पर सहयोग नहीं कर रहे थे। इधर मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से सियासी बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ईडी की इस कार्रवाई को भाजपा ने भ्रष्टाचार पर प्रहार बताया है। देखिए, ईडी की कार्रवाई महत्वपूर्ण नहीं होती तो इंडी अलायंस के सारे नेता, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जितने दल के लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी दल के नेता लोग हैं, सारे के सारे बौखला गए हैं। भाई, ईडी बना किस लिए है? कोई भी संस्था जो बनती है तो किसी उद्देश्य को लेकर के बनती है, और ईडी कोई 10 साल में तो नहीं बना है ना, ये तो कांग्रेस के शासनकाल में ही बना है। अंतर ये है कि उस समय लूट में चूँकि बड़े नेता से लेकर छोटे स्तर तक सभी शामिल रहते, ईडी कार्रवाई नहीं करती थी, करना नहीं है कार्रवाई। अब है कि मोदी जी ने कहा है कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाया उसको भी निकलवाऊंगा, तो स्वाभाविक है कि ईडी कार्रवाई करेगी। ईडी मुखदर्शक बनकर एक सिर्फ संस्था बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेगी। अब दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रही है तो लोग बौखला गए। वहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मंत्री पर कार्रवाई और गिरफ्तारी को कांग्रेस ने एक साजिश की संज्ञा। ये इंडियन करप्शन लीग के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, तमाम भ्रष्टाचारियों को वो अपने पार्टी में सम्मिलित करवा रहे हैं, और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से झुक नहीं रहा, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, हेमंत सोरेन की बात कर लें, आलमगीर आलम की बात कर लें, जो प्रखर रूप से महंगाई पर बात कर रहा हो, बेरोजगारी पर बात कर रहा हो, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बात कर रहा हो, किसानों की MSP की गारंटी पर बात कर रहा हो,
तो प्रधानमंत्री उस आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों को ईडी के माध्यम से बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार जेल के सिकंजे के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। इससे पहले ईडी ने राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसके क्या असर होंगे, ये देखना होगा। पीएम मोदी का लगातार झारखंड दौरा होता है। संबोधन में पीएम ने इस मामले का जिक्र किया था, साफ तौर पर कहा था कि अभी तो बस शुरुआत है और भी खजाने खोदेंगे। इसके बाद मंत्री जी का गिरफ्तार होना कांग्रेस जिसे साजिश बता रही है, वहीं भाजपा ने इसे ईडी की विधिवत कार्रवाई बताया है। आज की चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रियाज अहमद, भाजपा से पूर्व प्रवक्ता प्रेम मित्तल और झामुमो से प्रवक्ता बटर सिंह देओल जुड़े हैं। पहला पक्ष कांग्रेस से लेंगे क्योंकि कांग्रेस के ही कद्दावर नेता है आलमगीर आलम और उन पर ये काले धन से जुड़ा जो मामला सामने आया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, पहला पक्ष आप रखेंगे रियाज अहमद जी? जैसा कि मीडिया ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, आलमगीर आलम एक कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के और 40 साल की राजनीति में कभी भी उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा और किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, ना किसी तरह का क्रिमिनल का केस हुआ, ना किसी तरह का भ्रष्टाचार पे कोई दाग लगा। लेकिन जिस तरह से ईडी और जिस तरह से ये केंद्र सरकार काम कर रही, केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी काम कर रही है, ये कह सकते हैं कि मोदी जी का ईडी और उसी के अनुसार उनके इशारे पे काम कर रही है। जिस तरह जिस पद में थे आलमगीर आलम साहब, एक सम्मानित पद में, और जिस तरह से ईडी ने संबंध भेजा, पहले संबंध में उन्होंने उससे सम्मान करते हुए उनके सामने हाजिरी लगाई, पूछताछ किया गया, पूछताछ में कोऑपरेट किया गया। जब ईडी को कोई सबूत नहीं मिला तो फिर वो बोले कि ठीक है आपको 5 दिन के बाद आना है। 5 दिन के बाद बुलाते हैं, फिर अचानक जब निकलने लगते हैं माननीय आलमगीर आलम साहब, तो ईडी के अधिकारी बोलते हैं नहीं आपको कल आना है। वो पूछते हैं क्यों भाई हमें अचानक आप बोले थे 5 दिन में आना, फिर कल आना है, तो नहीं ऊपर से कोई प्रेशर है आपको कल आने का। उसके बाद फिर कल जाते हैं। दूसरे दिन जाने के बाद आलमगीर आलम साहब से जो सवाल किया जाता है, जब आलमगीर आलम पूछते हैं कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया, तो ईडी का जवाब कुछ नहीं होता है। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं उस पदाधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता ईडी का, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक दबाव है और दबाव के कारण आपको जो भी बोलना है आप कोर्ट में रखे, मतलब एक तथ्य नहीं ईडी के पास गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन एक राजनीति है, लोकसभा में 4 सीट झारखंड के हुए, 4 सीट ये हार रहे हैं, तो हार की मरमराहट में हिंदू मुस्लिम कर नहीं पा रहे हैं, जनता को अपनी वादों का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आलमगीर आलम को इन्होंने गिरफ्तार किया और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ की जनता जान रही है 14 का 14 सीट जीतेंगे और आलमगीर आलम को जिस तरह इन्होंने गिरफ्तार किया है, इसकी संज्ञा इसे आप लोग दे रहे हैं। आपने ये भी बताया कि अधिकारी के ऊपर दबाव है जिस कारण से मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने बड़े मात्रा में जो पीए के घर पर कैश मिला है 35 करोड़ रुपए, वो विजुअल भी हमारे पास है, सभी ने देखा है, पीए के घर में मिला है, पीए के घर में मिला है, पीए भी सोचने लायक है, पीए के घर में मिला है, पीए के घर पे मिलता है, नौकर के घर पर मिलता है, तो कहीं ना कहीं पीए के घर में, क्या बात कर रहे हैं आप, अगर साजिश है पीए के घर में मिला है, पीए के घर में मिला है जी, बिल्कुल पीए के घर पे मिला है, तो यही सोचने वाली बात है कि एक मंत्री के पीए के घर से ये खबर लेके आते हैं पीए के घर में मिला है, पीए के नौकर के घर में मिला है, वो पीए 2 बीजेपी के मंत्रियों के पास भी पीए थे। आपको मीडिया ट्रायल करनी है, कांग्रेस को बदनाम करने का जो आप कोशिश करते हैं, इसीलिए आप लोग मीडिया ट्रायल करना बंद कीजिए। अगर आपके पास तथ्य नहीं है, पीए के घर में मिला है, आपको जानकारी नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, इधर है, आपको जानकारी रखनी चाहिए थी, पीए के नौकर के घर में मिला है, उस नौकर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। घर पर ही अगर 35 करोड़ रुपए मिल जाए तो ये सवाल बनता है कि नहीं कि मंत्री के घर पर कितने पैसे होंगे? और बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए, अगर रफ्तार मीडिया को आप लोग बेच चुके हैं तो अच्छी बात है, प्रवक्ता बीजेपी का बन, अरे पीए का नौकर के घर में मिला है, जवाब दीजिए ना सर, व्यक्तिगत टिप्पणी बाद में कीजिएगा। व्यक्तिगत उतर गए हैं, पीए के नौकर के घर में मिला है पैसा, बिल्कुल मिला है, और यही प्रश्न है कि पीए और नौकर के घर पे इतना पैसा आखिर क्या कर रहा है?
पीए के घर में, फिर आप तो बोल रहे हैं पीए के नौकर के घर में मिला है। चलिए अच्छा, ईडी ने ये तथ्य कोर्ट में पेश किया है कि मंत्री जी जो थे 1.5% कमीशन जो है टेंडर बेचने के लिए लेते थे, इस पर क्या कहेंगे, इसे भी साजिश कहेंगे आप? अरे सुनिए मंत्री जी ने, सुनिए जब ईडी ने बोला ना, तो ईडी ने बोला किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं, तो बोला आपके जेई ने बोला है, तो बोले उस जेई को लेकर आइए। बोले नहीं सर, हम आपके सामने आमने सामने नहीं करा सकते हैं, आपको जो भी प्रूफ करना है वो कोर्ट में कीजिएगा, उनके पास तथ्य नहीं है, वो कुछ भी बोले जा रहे। 1.5% आप मीडिया में चैनल दिखाने के लिए आप 5% कमीशन लेते हैं, 50,000 रुपया लेते हैं, 5,00,000 रुपया, हमारे बोलने से आप क्या हो जाएंगे? तथ्य होना चाहिए ना, आप बीजेपी के पक्ष में न्यूज चला रहे हैं, ये मैं बोलूंगा उसके पीछे तथ्य होना चाहिए ना। सिर्फ बोले तो हो जाएगा, विपक्ष में न्यूज नहीं चलाते हैं, जो सामने आती है खबर, अगर बीजेपी के पक्ष में आप न्यूज चला रहे हैं, सवाल बनता है वो सवाल तो पूछेंगे ही सर। नहीं तो बात यहाँ सवाल यही होता है ना, मंत्री के यहाँ से, पीए के यहाँ से, मंत्री के पीए और नौकर की संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं मिल रही है, मंत्री की संलिप्तता शायद मिल रही है, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार किया है। आप फिर गलत सवाल कर रहे हैं, पीए के नौकर के यहाँ मिला है अजीत पवार को, क्यों नहीं गिरफ्तार किया ईडी? यहाँ के जो विधायक है आपके पलामू का, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया ईडी? ईडी के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का केस चल रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया उन लोगों को? चलिए आपके सवालों का भी जवाब लेंगे पहले, लेकिन बटर जी आपके पास आएंगे, जेएमएम का पक्ष लेंगे, क्योंकि राज्य सरकार में भी मंत्री है आलमगीर आलम, और पहले जैसे कि जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, अब राज्य सरकार में जो मंत्री है वो भी गिरफ्तार होते हैं, एक बड़ा सवाल सत्तासीन झामुमो पर भी। देखिए बात है कि अगर ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनके समक्ष प्रस्तुत किया है, वो उनको दायित्व उनका है कि वो प्रूफ करें, जो 1.5% का उन्होंने आरोप लगाया है कि 1.5% ये लेते थे, तो जिस अधिकारी ने कहा कि मैं देता था वो क्यों नहीं ईडी के रेस्ट पे है? क्योंकि जहां तक मुझे इंडियन कानून की जानकारी है कि देने वाला और लेने वाला दोनों ही दोषी हैं, तो देने वाले को किस शर्तों पे ईडी ने बाहर रखा है कि नहीं नहीं आपको हम नहीं अरेस्ट करेंगे, आप खाली उनका नाम ले दो? तो ये बहुत बड़ी मतलब, और जैसे रियाज जी ने कहा, क्योंकि रियाज जी वहां पर थे ईडी के ऑफिस के बाहर, और जब मंत्री जी अंदर गए हैं और बाहर निकल के उन्होंने बताया है, तो रियाज जी जो बात बोल रहे हैं वो वाकई अपने आप में गंभीर बात है कि कहां से फोन आया, कैसे किस बाहरी ताकत और ऊपर के प्रेशर के कारण उनको 5 दिन की जगह 1 दिन बुला के फिर अरेस्ट किया गया। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि ठीक है, अगर आपके पास साक्ष्य हैं आप जरूर अरेस्ट कीजिए, और आपका दायित्व बनता है कि कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए वो साक्ष्य, पर जो आपने साक्ष्य आप बोल रहे हैं कि इसके थ्रू आपने पैसे लिए, पर उनको क्यों नहीं अरेस्ट करके सामने लेके आई और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया? और दूसरी बात, मैं जानता हूं कि ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर चल रही है, तो मैं तो यही मांग करूंगा कि जिस तरह से अजीत पवार और हेमंता विश्वास, उनपे भी ईडी ने ही आरोप लगाए थे, और बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे भी कि नहीं उनकी जांच बंद नहीं हुई, वो जांच चलती रहे, तो जिस तरह हेमंता विश्वास चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है, तो यहाँ अरेस्ट करने की हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को क्या जरूरत पड़ गई? वो भी रहते हुए अपने पोजिशन पे जांच चलती रहती, जब जांच हो जाती कोर्ट साहब जज सुना देते फैसला, उनको सजा मिलती। बट उनको उनकी जांच, यही पर शक उठता है कि ईडी दो पैमाने रखती है जांच करने के, कि जो उनकी पार्टी के बीजेपी पार्टी के साथ वाले हैं उनके लिए जांच का पैमाना दूसरा है, और जो ऑपोजिशन में है उनके लिए जांच का पैमाना दूसरा है। मैं किसी तरह से कोई भी करप्शन को ये नहीं कर रहा कि नहीं सही चीज था या मैं कंडोन करता हूं, करप्शन नहीं होना चाहिए, बट जो जांच होनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अजीत पवार और हेमंता विश्वास की कार्रवाई और जांच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही चल रही है, तो फिर आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, वो अपने पद पे बने रहते और ईडी जांच करती रहती।
चलिए आपका ये बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप है, जवाब ले लेंगे प्रेम मित्तल जी। जैसे कि भाजपा पर लगातार आरोप लगते आए हैं कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, भाजपा द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर हमने कई ऐसे प्रश्न किए हैं, लेकिन यहाँ पर और भी प्रश्न भाजपा के लिए भी उठते हैं, क्योंकि बार बार ये नोटिस किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा नेताओं पर ईडी का शिकंजा नहीं है या फिर कोई कार्रवाई जो है उन पर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि बीजेपी नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है वो धीमी गति से हो रही है, वहीं विपक्ष पर जो नेता है, मंत्री है, उन पर काफी एक्टिव और सक्रियता से जो है ईडी आईटी सीबीआई काम करती है। आपने एक नया सवाल उठा दिया, धीमी गति और तेज गति वाला। नहीं तो अभी तक तो हम लोग पर आरोप लग रहा था कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं और ईडी का उसमें दुरुपयोग कर रहे हैं। खैर, मैं बटर सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों कानून के नज़र में दोषी हैं, लेकिन ईडी का अपना एक दायरा है। ईडी जिस काम के लिए बना, पीएमएलए जो एक्ट है उसमें काला धन मुख्य रूप से और उसका जो हस्तांतरण और बाकी सारा चीज़ होता है उसके क्षेत्र में बेसिकली काम करते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं उसके साथ। अब यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये आलमगीर आलम जी की बात, मीडिया के माध्यम ही, हम तो न ठेकेदार हैं कि वहाँ सब विभाग में क्या होता है, कैसे परसेंटेज चलता है, लेकिन सुनते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्शन में सब जगह परसेंटेज ऊपर से नीचे बंधा हुआ रहता है, सुनते हैं, लेकिन हमने ठेकेदारी नहीं करते, ठेकेदार मित्रों से जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि झारखंड का हर लोग इस बात को जानता है, केवल हम जान रहे हैं ऐसा बात नहीं है, या मीडिया में छप रहा ऐसा बात नहीं है। परसेंटेज वाला सिस्टम, कमीशन वाला सिस्टम, अभी ग्रामीण विकास विभाग में जो मामला है आलमगीर आलम से शुरू नहीं हुआ है और यहाँ अंत भी नहीं होने वाला है। ये मामला शुरू हुआ 2022 में, बीरेंद्र राम जी का जो जूनियर इंजीनियर है वो पकड़ाया था और उसके घर से पैसे मिले थे। उसके बाद कहानी चल गई बीरेंद्र राम जी के पास, वहाँ से सारी चीज़ हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, वहाँ से जो दस्तावेज मिले उसके बाद ये कहानी यहाँ तक आई। और ईडी जो है इन लोग पर संजीव लाल के ऊपर पिछले 6 महीने से लगातार नजर रखे हुए थे, तब ना सीधे उस घर में चला गया, उसके नौकर के नाम पर लिया हुआ घर था और मात्र 3-4 महीना पहले लिया हुआ वो फ्लैट है, तब ना वहाँ पहुँच गया और सीधा रेड मारा, भाई पैसे मिल गए। ये सबसे बड़ा सबूत है कि पैसे मिल रहे, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहा है, काला धन है वो, उसका कोई अकाउंट नहीं है, वो पैसे मिल रहा है, तो बहुत बड़ा सबूत है। अब उसके बाद बाकी लोगों के बयान, बाकी और जितने दस्तावेज मिले हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। और फिर ये ग्रामीण विकास का मैटर केवल टेंडर अलॉटमेंट का मामला नहीं है, ये टेंडर घोटाले का मामला है, मनमाने तरीके से नियम कानून को ताक में रख के टेंडर मैनेज करना, ये बातें भी सामने आई है। संजीव लाल जी ये काम करते थे, अब किस किस के बिहाफ में करते थे वो बातें आगे की जांच में सामने आएगी। अभी आलमगीर आलम जी को भी रिमांड पे लिया गया, उसमें भी कुछ बातें सामने आएगी, लेकिन जो बातें ईडी ने कोर्ट में कही है, ये परसेंटेज वाली बात, 1.5% वाली बात, तो सबको जानता है कि इंजीनियरिंग में चलता है। और झारखंड सरकार के तो अन्य मंत्रियों के बारे में भी कई तरह के किस्से बाजार में हैं, आखिर लेन देन होगा तो बाजार के किसी सप्लायर से, किसी ठेकेदार से, किसी से होगा ना, तो बात तो बाजार में आएगी ही कि किस रूप में, किस व्यापक पैमाने पर चल रहा है। ठीक है, जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ाया वो शेयर, तो बाकी लोग शेयर हैं ऐसा नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है और इसी ढंग से सारे काम हो रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाई तो कर रहे हैं, लगा रहे हैं कि अधिकारी के ऊपर दबाव है जिस कारण से मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। पता नहीं उनका ईडी के ऑफिस में कितना पैठ है रियाज जी का, मुझे नहीं मालूम है कि वो वहाँ के अंदर की बातें भी वो जान रहे हैं, लेकिन खैर एनीवे, तो मैं उन बातों में नहीं जानना चाहता हूँ। हो सकता है उनका बहुत अधिक पैठ होगा, उनका कोई आदमी ईडी के दफ्तर में होगा जो उनको बता रहा होगा, लेकिन जो भी, अब तो बातें आगे बढ़ गई। अभी प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जी ने तो इस्तीफा दिया, गलत अरेस्टिंग हुआ कि सही हुआ, लेकिन इस्तीफा दिया ना मुख्यमंत्री जी ने, आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री के पद से? हमारी मांग है कि आप इस्तीफा तो दीजिए मंत्री पद से, जैसे आपके मुख्यमंत्री जी ने किया है, इस्तीफा दीजिए, बाकी फिर अब तो जो चलेगा, अब तो कानूनी कार्रवाई है, वो तो चलेगा ही, सबको जानता है, सही गलत बाद की बात है, न्यायालय इसका फैसला करेगा। हाँ, जनता में, जनता भी, अब तो चुनाव भी हैं तो कुछ फैसला तो जनता भी करेगी, मीडिया ट्रायलर या बीजेपी क्या कर रही है इससे मतलब नहीं, जनता क्या सोच रही है इससे भी मतलब है। आरटीआई से लोगों ने आंकड़ा निकलवाया है। बात की जाए प्रेम जी, तो क्यों ईडी जो है, आईटी सीबीआई जो है, बीजेपी के नेताओं को धरती क्यों नहीं है? इंडिया के जो विपक्षी, अच्छा बता दीजिए ना,
आप स्नेहा जी बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री में जो केंद्र में है कोई आरोप है क्या? केवल हवा में कहने से तो नहीं होगा ना, जहाँ होगा वहीं तो जाएगा, पुलिस चोर के यहाँ तो जाएगी। आपके विपक्षियों द्वारा मंत्री आलमगीर आलम का जो मामला है इस पर लेकर एक बार बार जो है आरोप लगता आया या सवाल उठाया जा रहा है कि जो पीए है संजीव लाल वो कभी सीपी सिंह के भी आप्त सचिव हुआ करते थे 5 साल पहले, तो अभी अगर वो सचिव घोटाले कर सकते हैं, इस तरह के काले धन इकट्ठा कर सकते हैं, तो हो सकता उस समय भी इस तरह के चीजों में संलिप्त हो, तो उस समय की भी जांच होनी चाहिए। विपक्ष का काम है इस बात को उठावे, लेकिन अभी तो जो मामला पकड़ाया, देखिए चोरियां बहुत होती हैं, जो पकड़ा जाता है ना जहां पर, अभी क्या है कि अभी पकड़ाया है, मामला सामने आया है और पहले भी पीए रह चुके, ठीक है, आलमगीर आलम जी खुद बोल रहे हैं कि अनुभव के आधार पर हम उनको रखें, कौन सा अनुभव उसके अंदर देखे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये मामला तो तट का मामला है ना, ये स्पष्ट है, मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो कार्रवाई तो आगे चलेगी, बाद में भी चलेगी, कार्रवाई चल रही है और आगे क्या पन्ने खुलेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि आपके विपक्षी द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी जो है उन पर दबाव बनाया गया जिस कारण से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहीं पर सवाल ये भी खड़ा होता है, बटर सिंह जी आपके पास आएंगे, कि जो आप्त सचिव है या कहे जो आप्त सचिव थे सीपी सिंह के और अब मंत्री आलमगीर आलम के थे, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 4 सालों में आपकी सरकार रही, कहीं ना कहीं आपको भनक भी नहीं लगी कि इस तरह के घोटाले हो रहे हैं? जैसे आपने दिखाया सीपी सिंह की क्या दिखाया कि कैसे वो आरोप लगा रहे हैं, तो हमको तो यही पता था कि जैसे कोई भी आप जानते हैं कि जब कोई नौकरी स्विच करता है तो पुराने जहां काम किया होता है वहां का जानकारी ली जाती है, रिकमेंडेशन लिया जाता है, तो जब सीपी सिंह जी के यहाँ काम किया और बीजेपी जो अनटचेबल पार्टी है और जो इस एक स्टेटस वाली पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वहां से ट्रेनिंग लेके सीखे हुए अगर किसी व्यक्ति पे हम संदेह करें तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी वाले बोलेंगे कि नहीं आपके तो खाली संदेह करने की आदत है, तो हमने नहीं संदेह किया क्योंकि अच्छी जगह से आए हैं सीपी सिंह, अब खुद बोल रहे हैं कि वहां सब नहीं, कुछ आपको नहीं लगता था कि संदेह शायद करना चाहिए था तो केंद्रीय एजेंसियों को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता ना, जब अब इतनी बड़ी पार्टी के नेता जब मतलब उनके यहां से काम किया हुआ आदमी पे कैसे संदेह करें, तो फिर आप अभी ईडी को बोल दीजिए कि 2019 से पहले की भी जांच कर लें, हमने तो नहीं संदेश किया, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए तो मैं मांग कर रहा हूं कि जिस तरह से 2019 के बाद की जांच हो रही है 2019 के 5 साल पहले की भी जांच कर लें, यही इंजीनियर थे, यही सेक्रेटरी थे, यही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, यही जूनियर इंजीनियर थे, तो क्या ये पूरा का पूरा जो कॉकस है ये 2019 के बाद एक्टिव हुआ पैसे भ्रष्टाचार में कि पहले भी पुराने बीजेपी कालीन में जो कच्छ मंत्री थे या प्रधान चीफ मिनिस्टर थे वो भी पैसे लेते थे इनसे, ये जरूर बात बतानी चाहिए, है ना। और दूसरी बात मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह हमारे बड़े भाई ने कहा कि रिजाइन कर देना चाहिए, तो भाई जब हेमंता विश्वास पे जांच चल रही है उनको कोई इशू नहीं है चीफ मिनिस्टर रहने का, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं जांच चलते हुए, तो ये हमारे मंत्री क्यों रिजाइन करें, या तो आप दिखा दो ना पहले किसी ने रिजाइन किया हो कि ईडी का आरोप ईडी ने अरेस्ट किया, आरोप लगाया, ईडी की जांच चल रही है, आप ऐसा ही कर दो, ऐसा कानून बनवा दीजिए, वो बीजेपी के मंत्रियों को और बीजेपी के जा रहा है। यही पर अगर हमने ईडी की कार्रवाई अगर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर देखी तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा कर दे दिया, राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम क्या इस गिरफ्तारी के बाद मंत्री जो हैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये तो अब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और उनको डिसाइड करना है, मैं नहीं बोलूंगा, बट जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई एतराज होना चाहिए क्योंकि इनकी पार्टी में तो जो जिन पे ईडी का केस चल रहा है 70,000 करोड़ रुपए का आरोप जिन पे लगा हुआ चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, तो क्यों ऐसा क्यों रिजिग्नेशन मांग रहे हैं कि झारखंड में ही रिजिग्नेशन होना चाहिए, महाराष्ट्र में आसाम में नहीं होना चाहिए, ये तो समझ के परे है। ठीक है, रियाज जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात, एक मिनट
क्या मंत्री आलमगीर आलम मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? आप क्या चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहिए? हम कुछ नहीं चाहते सर, आप ही बताइए। नहीं नहीं, आप क्या चाहते हैं, आप अपना राय बता देना, क्या होना चाहिए? आप अपना पक्ष रखिए। नहीं, मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूँ। आप बोल रहे मंत्री आलमगीर आलम को इस्तीफा देना चाहिए, मतलब किस आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? इसमें हमारे पक्ष से कोई लेना देना नहीं है रियाज जी, कांग्रेस की ओर से आप पक्ष रखिए। फोन करेंगे, देखिए हम लोग बहुत संस्कारिक और कह सकते हैं कि हम लोग बहुत मर्यादित पार्टी है। हम लोग बेशरम नहीं है बीजेपी के जरा कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है तो हम लोग देख सकते हैं। यूपीए गवर्नमेंट में आरोप लगती थी और हम लोग इस्तीफा दे देते थे। इनके मंत्री पे पद पे बने रहते हैं, इन पे चाहे भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे घोटाले का आरोप हो, चाहे किसी तरह का भी आरोप हो, ये इस्तीफा नहीं देते हैं। हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पार्टी की जो भी गाइडलाइन होगी अच्छी होगी और आने ये मुख्यमंत्री का कह सकते हैं संज्ञान वाली चीज है और मुख्यमंत्री इसमें खुद संज्ञान लेंगे और मंत्री है वो अपने विवेक से काम करेंगे। इस पे हम आधिकारिक रूप से ये नहीं बोल सकते कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। चलिए आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि समय की कमी है। एक एक करके सारे पार्टियों से जो है एक पक्ष लिया जाएगा क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े कद्दावर नेता है। हेमंत सोरेन के बाद दूसरा बड़ा नाम कह सकते हैं उन्हें, और उनकी गिरफ्तारी से जो है सियासी भूचाल एक तरफ से मच गया है झारखंड में। चुनाव का माहौल है, एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरा फेज का चुनाव जो है झारखंड में होने वाला है। क्या असर पड़ सकते हैं और क्या इंडिया को भारी क्षति जो है इससे पहुंच सकती है? रियाज जी पहले आपका पक्ष सुनेंगे। देखिए हमें क्षति नहीं पहुंचेगी, ये तो जुल्म जो कर रहे हैं बादशाह शहंशाह, और वो चाह रहे हैं कि जुल्म का जवाब जनता नहीं देंगी, तो अभी इस बार जनता वो शहंशाह का डायलॉग अंधेरी रातों पे जो इनका अंधेरा छाया हुआ है और जो जिस तरह से ये इनकी कार्य रही है, जिस तरह से केंद्र सरकार अपने ईडी के एजेंसियों को सिर्फ विपक्षियों के लिए तैयार करके रखी है एक हथियार के तौर पे और उनके ही नेताओं को गिरफ्तार कर रही, इसका माकूल जवाब यहाँ की जनता देगी। और ये चार सीट में जो हम बढ़त बनाए हुए हैं झारखंड में, 14 का 14 सीट जीतेंगे और इस देश के भी जनता इनको जवाब देंगे और इस प्रदेश की भी जनता, आदिवासी और मूलवासी और यहाँ के जो नागरिक है झारखंड के, वो इनको जवाब देंगे निश्चित तौर पे। चलिए बटर सिंह जी, क्या असर पड़ सकता है मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से चुनाव में? असर कुछ नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है कि जिस तरह से जल्दीबाजी में इन्होंने पर्याप्त अपना होमवर्क किए बिना उनको गिरफ्तार किया है, जनता जान रही है और ये इसका बेनिफिट हम ही लोगों को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, जनता भी देख रही है कि ईडी जिसपे आरोप लगाती है, जीडी इसको जेल भेज देती है, कोई ऐसा सीरियस मैटर नहीं है ये बीजेपी के लिए। देखिए अभी 2-3 दिन पहले निर्मला सीतारमण और इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष बैठ के एक दूसरे से गुलदस्ता एक्सचेंज कर रहे थे, वो विष्णु अग्रवाल जी से, जिनको जो एक महीने तक सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको ईडी ने पकड़ा था। तो इन्होंने तो खुद प्रमाण दे दे रहे हैं कि अरे ईडी का केस चलता रहता है, विश्वंता शर्मा असम के सीएम पे चल रहा है, अजीत पवार पे चल रहा है, तो इसपे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके साथ बैठ के घुल मिल के जब वो बैठ सकते हैं तो ये प्रूफ जनता देख रही है कि कोई ऐसा गंभीर मामला ईडी नहीं करता है। वो तो वोट वोट इधर उधर करने के लिए, वोट अपने बीजेपी का दिखती है कि जमीन खिसक रही है तो अपने फेवर में करने के लिए कुछ देर में कुछ कुछ बेचारे ईडी से करवा लेती है, पर जनता जानती है कि इवेंचुअली कुछ होना नहीं है, ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जनता समझदार है और जनता इसको 4 जून को आपको जवाब निकल जाएगा, है ना? तो ये ईडी का आरोप वरोप बीजेपी के हिसाब से ही हम मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी बड़ा आरोप नहीं है कि दो एक आध महीने के बाद जो खत्म ना हो जाए ऐसा आरोप। चलिए भाजपा से भी पक्ष ले लेंगे, प्रेम मित्तल जी, जैसा कि बटर सिंह जी को अभी आपने सुना, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं तो विष्णु अग्रवाल के साथ उनकी मुलाकात होती है, विष्णु अग्रवाल जो है ईडी की रडार में है, तो भाजपा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इन सारे सवालों के बीच भाजपा को क्या असर पड़ सकता है चूंकि चुनाव का माहौल है? देखिए ईडी की कार्रवाई, ईडी अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं आती है,
हाँ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हम इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि जनता वोट देगी या नहीं देगी। कुछ बातें होती हैं जो इन चीज़ों से ऊपर भी होती हैं और हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। हमारा मकसद भ्रष्टाचार रोकना है केवल, और ईडी को पूरा स्वतंत्रता दिया हुआ है कि वो अपना ढंग से काम करे। और मैं ये जो निर्मला सीतारमण जी का जो सवाल उठा है, बटर जी थोड़ा स्पष्टवादी है, हम जानते हैं इनको, बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं। निर्मला सीता आदि के पेपर में है ना कि निर्मला सीतारमण जी, पहली बात तो निर्मला सीतारमण जी का प्रोग्राम हम लोगों ने नहीं लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया था वो कार्यक्रम। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक एनजीओ है उभरता झारखंड के नाम से, उन लोगों ने लिया था, ज्वाइंट रूप से कराया था। और उन वहाँ पर जो भी हुआ, कौन किससे मिलाया उन लोग से पूछना चाहिए। हम लोगों ने कोई किसी को नहीं मिलवाया। निर्मला सीतारमण जी उसको पहचानते भी नहीं होगी, फिर भी देश के वित्त मंत्री हैं। अच्छा, दूसरी बात उसके आगे हाँ सवाल खड़े होंगे, मैं उसके आगे बोल रहा हूँ मैं आपको स्नेहा जी, कि उसके बावजूद भी आज के अखबारों में समाचार है ना कि उसके बाद भी ईडी आज गई थी ना न्यूक्लियस मॉल में नापी लेने के लिए। वो जो लैंड स्कैम पूरे झारखंड में जिस ढंग से चल रहा है उसकी जांच में भी तो और भी नेक्सेस और भी तथ्य लगातार मिलते जा रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ईडी का कार्रवाई रुक गया। विष्णु अग्रवाल का ही है ना न्यूक्लियस मॉल, वहाँ भी मापी पूरा हुआ है ना, ईडी आगे भी कार्रवाई कर रही है ना। तो कहीं पर भी कोई चीज़ प्रभावित नहीं होने वाला है। सबसे क्या होता है, मिल लिया नहीं मिल लिया, कोई मिला दिया, बीजेपी इसमें कहीं पर भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए। तो मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ करेगी ईडी, 6 दिनों का रिमांड दिया गया है। बता दें, टेंडर घोटाला मामले में वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी पहले ही हुई थी, वहीं अब इसमें कई नाम सामने आए हैं। हालांकि जांच चल रही है और जांच के बाद और क्या क्या पत्ते खुलते हैं ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए इस चर्चे में इतना ही। धन्यवाद करेंगे हमारे अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए, और जनता से गुजारिश रहेगी ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए देखते रहें रफ्तार मीडिया।